कोरबा जिले के पाली तानाखार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ईडी के छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अभी तक हम सरकार के शराब घोटाले, कोयला घोटाले और चावल घोटाले को गिनते रहे, अब ये मालूम चला कि सरकार के तार सट्टा से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार को मंथली मोटी रकम दी जाती थी, इसे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी ने पेश किया है। महादेव ऐप के नाम पर जुआ सट्टा के प्रशिक्षण के लिए दुबई भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन सरकार कर रही है। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं, और ये तार जुड़े हैं। ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था, और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है, तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहाँ से ली जा रही है, ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसा दिया, 75 करोड़ का हिसाब है भाई, उससे तो पूछा जाए मुख्यमंत्री जी से। आज पाली तानाखार और उस क्षेत्र के एक बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी प्रवेश है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे धर्म कौशिक जी और अन्य नेता वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पूरे प्रदेश में श्रृंखला चल रही है व्यापक रूप से। कल केशकाल गए थे, केशकाल में नीलकंठ डेकाम के साथ 2500 लोग शामिल हुए, और आज यहाँ भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, उनके कार्यक्रम में सम्मिलित।